गुरु गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। गुरु की महिमा अनंत है, तो ये जो महिमा है वो केवल उड़ाई हुई महिमा नहीं है, यथार्थ है। दुनिया में जितने उपकार हैं, माँ बाप परिवार कुल कुटुंब के जितने उपकार हैं, दोस्त यार और जितने लोग हैं, उन सब के उपकार एक तरफ, और गुरु गुरु के उपकार के 100 में से 99% एक तरफ कर दीजिए, और 1% का जो उपकार है उसकी तुलना में भी दुनिया का उपकार नहीं तुल सकती, इतना उपकार है गुरु का। माता पिता स्वार्थ के साथी कहते मेरा मेरा, कहत कबीर सुनो भाई साधो एक दिन जंगल डेरा। माता पिता तो स्वार्थ से पालन पोषण करते हैं बच्चा का, और कर्तव्य भी है, जब जन्म दिए हैं तो पालन पोषण तो करना कर्तव्य है ना, जिम्मेदारी बन जाती है, उत्तरदायित्व बन जाता है, तो वो तो ज़रूरी है। लेकिन बच्चे का भी अपना फर्ज है, अपना कर्तव्य है। लेकिन गुरु गुरु कोई स्वार्थ नहीं रखता, उनकी कृपा अहेतु की होती है, कोई हेतु नहीं, अकारण ही, क्योंकि वो जानते हैं दुनिया के सभी लोग, सभी मनुष्य संतापित हैं, अपने अपने बनाए जाल में सभी उलझे हुए हैं, जल रहे हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, हर आदमी अपने मन से खींचा खींचा, खोया खोया, दुखी दुखी क्यों रहता है, क्योंकि वो गुरु के ज्ञान का उपयोग नहीं करता। गुरु ज्ञान का उपयोग करें तो मन की सारी बीमारी स्वतः खारिज हो जाए, समाप्त हो जाए। गुरु ज्ञान का उपयोग इसलिए भी नहीं होता क्योंकि मोह है, हम बहुत जानते हैं। कबीर साहब ने कहा भी है, पानी पियावत क्या फिरो, घर घर सायर बारी, त्रिषावंत जो होएगा पीवेगा झक मारी। घर घर में तो समुद्र समान ज्ञान भरा है, लेकिन वो ज्ञान उल्टा पलटा है, सही ज्ञान नहीं है, एक तरफा ज्ञान नहीं है, खांटी का। कबीर साहब का ज्ञान कैसा है, शुरू से लेकर अंत तक एकदम खरा हीरा है, चांदी नहीं है, जस्ता नहीं है, जिंक नहीं है, कॉपर नहीं है, लोहा नहीं है, हीरा है। हीरा सोई सराही सहे घनन की चोट, हरी हीरा जन जौहरी सबन पसारी हाट। तो कबीर साहब बड़े महंगे गुरु हैं, सस्ते गुरु नहीं हैं। सस्ते गुरु के लिए तो उन्होंने कहा, गुरुआ तो सस्ते भया, कौड़ी दाम 50, अपने तन की सुधि नहीं शिष्य करण की आस। गुरु नाम धराकर सद्गुरु नाम, यहाँ तक के महामंडलेश्वर ब्रह्मांड गुरु जगत गुरु नाम धरा करके लोग भटकते रहते हैं। जगत गुरु तो कोई हुआ ही नहीं है, ये अपने आप हास्यास्पद पद है। जो कहलाते हैं जगत गुरु और उसके लिए लड़ाई करते हैं, मुकदमा करते हैं, उनकी पड़ोसी ही उनको गाली देता है, मानता नहीं, और वो जगत गुरु बने बैठा है। तो जगत गुरु होना निरर्थक ही है और अनर्थक भी है लोगों के लिए। भीड़ इकट्ठी कर लोगे और क्या करोगे। जही महाराज गए पंडिता तेई गए बहिर, ऊंची घाटी राम की तेई चढ़ी रहे कबीर। जिस मार्ग से पंडित लोग जाते हैं, पत्राधारी पंडित लोग, उस मार्ग से भीड़ भी जाती है, उसी का अनुगमन करती है, क्योंकि लालच दिया जाता है तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुम्हारे परिवार में खुशियां लहलहा उठेगी, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, धन संपत्ति खूब बढ़ेगी, ऐसा लालच दिया जाता है, इसलिए भीड़ जाती है। लेकिन साहब क्या कहते हैं, ऊंची घाटी राम की,
जो राम की घाटी है आत्मा राम की, अपनी स्थिति जो बनाने की बात है वो बड़ी ऊंची दशा है, उसके लिए तो लालच को तो एक तरफ धर देना पड़ेगा। किसी प्रकार का लालच नहीं, सारे लालच खत्म। अगर लालच करना है तो ज्ञान का लालच करिए। सद्ज्ञान का लालच करेंगे तो अपने आप आपका मन निर्मल हो जाएगा, लेकिन दुनिया के चीज़ों का लालच, पदार्थों का लालच, प्राणियों का मोह करेंगे तो मन नचाता रहेगा। और आज भी मन नचा रहा है। तन के वृद्ध कहाँ भव बौरे, मनवा अज हूँ बारह हूँ, साहेब ने कहा। तन के बूढ़ा होने से क्या होता है पगले, मन तो आज भी बालक बना हुआ है। छोटी छोटी बात को लेकर रूठना, हाथ पैर पटकना, परेशान होना, चिल्लाना, ऊंची आवाज़ में बात करना, घर का माहौल कितना हम लोग गंदा बना लेते हैं। जहाँ रहते हैं वहाँ प्रेम से बोल नहीं पाते हैं अपने ही लोगों से, और जीना उन्हीं के बीच में है। और गुरु कहते हैं जहाँ जहाँ रह रहे हो वहाँ सबके साथ सुंदर व्यवहार करो। और ये भी ध्यान में रखो कि इन्हीं के बीच से अचानक उठ जाना है। जिस घर में रह रहे हो उसी घर की दहलीज से, चौखट से लाश निकलेगी, ये भी बात कहते हैं। बहुत कड़े ढंग से ऑपरेशन करते हैं कबीर साहब, इसलिए वो महंगे गुरु हैं। और कहते हैं सस्ता रोवाए बार बार, महंगा रोवाए एक बार। जब कोई चीज़ सस्ती होती है और आदमी सस्ता है करके ले लेता है तो कुछ दिन में बिगड़ जाती है, तो परेशान होता है, अंदर ही अंदर गरियाता है कि खराब हो गया सामान। तो सस्ता तो सस्ती थी चीज़ें, तो ख़राब तो होनी थी, लेकिन महंगा रोए एक बार। महंगा अगर लेंगे तो देते वक्त, पैसा देते वक्त थोड़ा रोना होगा कि अरे क्या करें बहुत महंगा है, बस उसी समय रोना पड़ेगा, बाकी रोना नहीं पड़ेगा। सही सामान, सही चीज़ें मिलती है तो टिकाऊ होती है। सद्गुरु कबीर का ज्ञान सही है, सस्ता नहीं है, महंगा है। बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, हिए तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। जो बोल है हमारे वो अनमोल है, उसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती। साहेब कहते हैं मेरे जो शब्द हैं वो अनमोल है, उसका मोल लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मोल वही लगा सकता है जो हृदय रूपी तराजू पर तौलेगा, उसकी निरख परख करेगा। साँचा शब्द कबीर का हृदय देखो विचार, चित्त हृदय समझे नहीं मोहि कहत भय लिए उचार। साहब तो कहते हैं कि मेरे शब्द सत्य है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसलिए मत मान लो। हृदय तराजू पर तौल के देखो, गहन विचार करो सही है या गलत। चित्त हृदय समझे नहीं मोहि कहत भय लिए उचार। लोग मन लगा करके, चित्त लगा करके समझना नहीं चाहते हैं बातों को, इसीलिए बहते रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। और साहब कहते हैं मोहि कहत भय लिए उचार, मेरे जैसे ज्ञानियों को, समझदारों को कहते हुए पूरा काल बीत गया, पूरे काल से महापुरुष होते आए हैं। देखिए रमण महर्षि हुए हैं दक्षिण भारत में, और बहुत पहले 2500 वर्ष पहले महर्षि कपिल हुए हैं, कड़ाद हुए हैं, ये सब महान ज्ञानी हुए हैं, तत्वदर्शी हुए हैं। प्रकृति और पुरुष की बात कहते हैं, जिसे कबीर साहब जड़ और चेतन कहते हैं, जड़ शरीर चेतन आत्मा, जिसे इंग्लिश में बॉडी और सोल कहते हैं। ये शरीर बॉडी है और सोल आत्मा, वही हमारा स्वरूप है। तो कबीर साहब महंगे गुरु हैं, और दुनिया में अधिकतम गुरु बने फिर रहे हैं उसकी बात भी कबीर साहब करते हैं। कबीर की महिमा, कबीर साहब तो गुरु की महिमा गाते ही हैं, लेकिन जहाँ गुरु नाम धराकर उबड़ खाबड़ काम करते हैं, लोगों को सही ज्ञान नहीं देते हैं, सही रास्ता नहीं दिखाते हैं, समाज में भ्रम पैदा करते हैं,
उनके लिए कबीर साहब फिर कठोर हो जाते हैं और कहते हैं कि बूढ़े दो गुरु और चेला। ऐसे गुरु लोग बूढ़ते हैं और चेला को भी साथ मिले डूबते हैं। जाका गुरु है आंधरा, चेला काह कराए, अंधे अंधा पेलिया दो कुप पर आए। जिसके गुरु ही अविवेकहीन हैं वो चेला को कैसे, अपने शिष्य को कैसे विवेक दे सकता है। इतना कठोर कबीर साहब हो जाते हैं। कबीर साहब एक ऐसे सदगुरु हैं जिनकी दृष्टि पूरी दुनिया पर है। कुछ लोग अपने परिवार के लिए रोते हैं और कुछ तो ऐसे होते हैं ज़्यादा मोही एक व्यक्ति के लिए रोता है, लड़की है तो लड़का के लिए और लड़का है तो लड़की के लिए। कुछ लोग इससे ज़्यादा बढ़ते हैं तो अपने कुल कुटुंब और रिश्ते नाते उनके लिए रोते हैं। कोई ज़्यादा और विशाल होना चाहता है तो मोहल्ला गांव के लिए रोएगा, लेकिन कबीर साहब ऐसे हैं कि दुनिया के लिए वो रोते हैं। कहते हैं मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवे न कोय, मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी हो। मैं दुनिया के लोगों को दुखी देखकर, उनके दुख में करुणा विगलित होकर उनके कल्याण के लिए पथ बताता हूँ, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। मोको रोए न कोय, मेरे बातों को समझने वाले बहुत कम हैं, लेकिन वो तटस्थ हैं। हम तो सबकी कही मोको कोई न जान, तब भी अच्छा अब भी अच्छा जुग जुग हो नान। मैं सबकी बातें कहता हूँ, सबकी कसर खोट बता देता हूँ, क्योंकि जो जिसे कुछ नहीं चाहिए वही तो सब सत्य कह सकता है। जिसे कुछ चाहिए वो सत्य नहीं कहेगा, वो छिपाएगा, आधी अधूरी बातें कहेंगे। लल्ला तुतरे बात जनाई, तुतरे आए तुतरे परिचाए। वो तोतले हो जाएंगे, आधी अधूरी बात कहेंगे, बेसिर पैर की बातें कहेंगे। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब सब की बातें बताने वाले। हम तो सब की कही मोको कोई न जान, मुझे समझ नहीं पाए लोग। ये टीस, बहुत बड़ी टीस, अंदर की वेदना है, ये पीड़ा है। जिन्होंने जीवन भर सबके लिए खूब कहा और एकदम समाधि में जीते रहे, कबीर का घर शिखर पर जहाँ शिखर, तो ऐसी बातें करने वाले कबीर साहब मोको कोई न जान कहते हैं। लेकिन आगे क्या कहते हैं, तब भी अच्छा अब भी अच्छा, तब भी, पहले भी, आवाज भी और आगे भी, मेरी दशा में कमी नहीं आएगी, मैं जैसे था वैसे हूँ आज और आगे भी रहूँगा। जुग जुग हो नान, कभी मैं दूसरा नहीं हो सकता। तो इतने साफ साफ कहने वाले सद्गुरु कबीर। तो जब तक गुरु मिले नहीं सांचा, तब तक गुरु कीजे दस पांचा। सद्गुरु राम रहस्य साहेब कहते हैं, जो परम पारखी कहलाते हैं, वो कहते हैं जब तक सच्चे गुरु नहीं मिलते हैं तब तक गुरु बनाते रहो, कोई हर्ज नहीं। लेकिन ऐसे भी गुरु होते हैं जो कहते हैं, डराते हैं, वो हमें छोड़ करके किसी और को गुरु बनाओगे तो तुम्हारे परिवार का विनाश हो जाएगा, तुम नष्ट हो जाओगे, विपदगामी हो जाओगे। ऐसे डराने वाले गुरु भी हैं। कभी साहब डराते नहीं हैं, वो तो आपके कदमों पे खड़ा करते हैं। बैसाखी नहीं पकड़ाते हैं किसी की, भगवान भगवती की, और ना ही वो डराते हैं। वो तो आपको निर्भय बनाते हैं, इतना निर्भय कि डर नाम की चीज़ आपके दिल दिमाग से निकल जाए। ऐसे गुरु हैं वो। तो कबीर साहब बड़े महंगे गुरु हैं और उनके ज्ञान को ग्रहण करने से सारे रोग खत्म हो जाएंगे, मानसिक रोग। वो जो है मनोचिकित्सक है, महामनोचिकित्सक। उनके ज्ञान को पढ़ने मात्र से आधी मुक्ति हो जाती है। जो जितने भ्रम भूत ग्रह लगन मुहूर्त दिशा शूल सगुन अपसगुन टोना टोटका जंतर मंतर जितने भी हैं, भूत प्रेत वाणी जाल खानी जाल सब परखने में आ जाता है। मोटी माया, झीनी माया जिसे कहते हैं,
और सबको साफ साफ कबीर साहब बता देते हैं। तो आधी मुक्ति तो ऐसे हो जाती है, क्योंकि दुनिया के अधिकतम लोग, अधिकतम क्या लोग, लगभग लगभग सभी लोग भ्रम में डूबे हैं। सबको भ्रम है, भूत प्रेत जादू टोना ग्रह लगन मुहूर्त का, दिशा शूल शगुन अपशगुन का, अंग फड़कने का। रोड पे चल रहे हैं, बिल्ली आगे से गुजर गई, बस उतने में आदमी डर जाता है, भयभीत हो जाता है। छोटी सी बिल्ली उसको जाना रहा, चली गई उधर, और आप इतने बड़े उससे कई गुना बड़े और डर गए उससे। तो ये अविवेक है। कबीर साहब कहते हैं किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, डरो अपने कर्म से। डरते रहो जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए। अपने मन वाणी कर्मों के कुचालों से डरना है, इससे गलत व्यवहार ना हो किसी से, अपने लिए ना दूसरे के लिए, इससे डरना है। डर करनी डर परम गुरु, डस पारस डर सार, डरत रहे सोबरे गाफिल खाई मार। जो अपने मन वाणी कर्मों से डरता रहता है कि इससे गलतियां ना हो जाए हमसे, वही उबरता है। जो गाफिल रहता है असावधान, साहब कहते हैं वो मार खाता है, वो दुखी हो जाता है। तो कबीर साहब आपको हर प्रकार से सक्षम बनाना चाहते हैं, तो उनकी ज्ञान को आप ध्यान दें, पढ़ें, बीजक को खूब पढ़ें। रोज नियम बना लें कि बीजक का एक रमैनी या एक शब्द रोज पढ़ना है कंटिन्यू, फिर देखिएगा आपकी शक्ति का उद्घाटन वो करेंगे, जो अंदर में आपकी शक्ति दबी हुई है, कबीर साहब के ज्ञान से आपकी शक्ति अपने आप उद्घाटित हो जाएगी। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। आगे विचार रखने के लिए निवेदन है। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं, एक जगह कबीर साहब ने कहा है कि गुरु की दया और साधु की संगति, निकर आओ यही द्वार। गुरु और साधु दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा फर्क है। उस फर्क को सद्गुरु रामराह साहब ने बताया है। उन्होंने कहा है कि अशरण शरण दयाल गुरु, साधु सदा स्वच्छंद। एक रूप गुरु साधु का दूजा काल को फंद, अशरण शरण दयाल गुरु साधु सदा स्वच्छंद। एक रूप गुरु साधु का, गुरु और साधु का एक ही रूप है, दूजा काल को फन, और दूजा जो है कल्पना अज्ञान वासना में उलझाने वाला है। फिर बताते हैं अगली पंक्ति में, अशरण शरण दयालु गुरु, गुरु जो है दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, करुणा के सागर होते हैं, और अशरण को शरण में लेने वाला होते हैं। जो अशरण हैं, भटक रहे हैं, परेशान हैं, उनको अपने शरण में लेकर के उनकी हर बात सहते हैं। कटु कुठार उबड़ खाबड़ संस्कार के होते हैं लोग, तो उन सब बातों को सह करके उनको निभाते हैं। विरक्त कोई आ गया तो उनको तो और ज़्यादा निभाना है, क्योंकि हरदम साथ में रहना है, वो अधूरा है तभी तो आया है, और गुरु पूरा है। इसलिए अशरण शरण दयाल गुरु, अशरण को शरण में लेने वाले गुरु करुणा के सागर होते हैं, और साधु सदा स्वच्छंद, साधु स्वच्छंद रहते हैं, वो भार नहीं लेते हैं, चक्कर में नहीं पड़ते हैं, किसी को शिष्य बनाएं, चेला चांटी बनाएं, उसके पीछे परेशान रहें, वो स्वच्छंद रहते हैं और लोगों को जगाते रहते हैं, शिक्षा देते रहते हैं। इतना ही फर्क है, एक ही बात है गुरु और साधु। विशाल साहब ने कहा गुरु मिले तो साधु मिले तो गुरु मिले, गुरु मिले तो साधु, दोनों का फल एक है, जहाँ कटे भ्रम बाध। साधु मिले तो समझ लो गुरु मिल गए, और गुरु मिले तो समझ लेना साधु मिल गए। तब किसी ने पूछा मतलब क्या है, तो साहब ने कहा कि दोनों का फल एक है, जहाँ कटे भ्रम बाधे। दोनों मिलने का एक ही परिणाम, एक ही पहचान है, और एक ही फल सामने आता है। हमारी जो भ्रम है मन में, बाधाएं हैं जिसे हम समझते हैं समस्या, वो सब खत्म हो जाते हैं साधु और गुरु के मिलने से।
तो दोनों का फल एक है। और कबीर साहब तो कहते ही हैं कि कबीर साहब ने साधु और गुरु के विषय में बहुत ज़्यादा कहा है। एक बहुत बड़ा पद है, लंबा पद, उसके अंतिम में उन्होंने कहा है कि संत और गुरु उनको छोड़ करके तुम्हारा कहीं ठिकाना नहीं है, भटकने के अलावा क्या मिलेगा। दुनिया के जितने लोग हैं गुरु बनते हैं और गुरु बन करके लोगों को भटकाते हैं कि तुम प्रभु का नाम लो रात दिन, हवन तर्पण करो, कथा कीर्तन करो, जाप करो, और जीवन भर लटकाए रहते हैं और असली बात से वंचित रखते हैं। कभी नहीं बताएंगे वो कि अपने मन को निर्मल करो, वाणी को निर्मल करो, कर्मों को निर्मल करो, ऐसा नहीं कहेंगे। बस भक्ति करो भगवान की, इस ढंग से कहते हैं। तो आगे और विचार की ओर चलते हैं। विचार रखने के लिए हमारे सामने हमारे साहेब जी श्री लखन साहब हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपने विवेकपूर्ण विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। श्री लखन साहब बोलिए। सद्गुरु कबीर साहेब की जय। एक बार आप लोग अपने इष्ट, अपने पूज्य, अपने गुरुदेव जी के लिए हृदय से मन वचन कर्मों की शुद्धि के लिए जयकारा लगाएंगे। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। आज गुरु पूनम, हम सबके हृदय में बसने वाले गुरु, जिस प्रकार से माँ और बाप के बिना जीवन अधूरा रहता है, यदि कोई बच्चा हो, कोई भी इंसान हो, उनके पास माँ बाप ना हो, सब कुछ हो लेकिन केवल माँ बाप ना हो, अब उनसे पूछे आप जा करके कि आप कैसे हैं। गुरु हमारे माँ और बाप है। इस पावन उत्सव में, त्योहार में हम सब एकत्रित हुए हैं गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए। ये आप सबकी अनन्य श्रद्धा और आपकी हृदय की विनम्रता और गुरु भक्ति का परिचायक है। कितने दूर दूर से आए हैं, जिसके दिल में, जिसके भीतर में भक्ति है, गुरु के प्रति श्रद्धा है, उपासना है, वो उनके पास समय ही समय है, जीवन ही उसके लिए समय है।